गाइस, रियल लाइफ में जो आप करते हैं वो जब स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब भी आप जो भी आप कर रहे होते हैं, जो प्रेजेंट आप जी रहे होते हैं, वो प्रेजेंट पास्ट बन जाता है। तो आप जब स्टोरी टेलिंग सीखेंगे, खासकर जो बिगनर्स हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, तो जो भी आप प्रेजेंट में करते हैं उसे आप याद रखिए कि आप प्रेजेंट में क्या क्या कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, और फिर जब आप घर वापस आइए उसको आप नैरेट कीजिए। अब इस वक्त मैं अपने घर पर था, मुझे कॉल आया कि हाँ भाई, अमेज़न का एक डिलीवरी बॉय आया है, वो प्रोडक्ट मुझे देना चाहता है, वो डिलीवर करना चाहता है, तो मैं अब जा रहा हूँ वो प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो प्रेजेंट है, और जब मैं घर वापस जाऊँगा तो ये पास्ट बन जाएगा। तो मुझे इस प्रेजेंट को जो पास्ट में कन्वर्ट करके कैसी स्टोरी टेलिंग करूँगा मैं आपको बताऊँगा। तो जो जो मैं करूँगा सब दिखाऊँगा। सो ये इज़ द डिलीवरी बॉय। हाँ भैया, सो गाइस, सो आपने देखा कि मैंने ये पार्सल ले लिया। तो अब ये सब क्या है? ये सब प्रेजेंट है, अब इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो स्टोरी टेलिंग मीन्स वट एवर यू डू एवरी डे, वट एवर यू डू, वेन एवर यू आर डूइंग, दैट इज प्रेजेंट, आफ्टर दैट इट बिकम्स पास्ट। दिस इज स्टोरी टेलिंग। सो नाउ, अब स्टोरी टेलिंग में एक हिस्सा मेरा जुड़ गया कि चलो मैं बाहर आया अपने घर से, अमेजन डिलीवरी बॉय से मैंने ये पैकेट लिया, अभी स्टोरी टेलिंग का एक हिस्सा हो गया। अब मैं पूरे दिन जो जो करूँगा वो सब ऐड करके फिर आपको लास्ट में एक स्टोरी टेलिंग करके दिखाऊंगा। सो जुड़े रहिए। थैंक यू। हाय गाइस, सो गाइस नाउ अभी आप देख रहे हैं कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो जो भी प्रेजेंट में हो रहा है यही पास्ट में कन्वर्ट होता है। स्टोरी टेलिंग मुश्किल नहीं है। अब तक तो आपने देखा मैं बोर्ड पे आपको ड्रॉ कर करके सिखाता था, अभी रियल लाइफ में देखिए। अब इस वक्त मैं नाश्ता कर रहा हूं, तो अब मेरे प्लेट में जो जो है मैं अगर अभी इसे एक्सप्लेन करूंगा तो ये प्रेजेंट होगा। मैं बोलूंगा ओके ठीक है, मेरे पास ये दो स्टफ्ड पराठे हैं, मेरे पास स्टफ्ड है, इसमें सत्तू भरे हुए हैं तो स्टफ्ड है, सत्तू स्टफ्ड पराठे हैं, थोड़ा सा कर्ड है, यहाँ ये चोखा है, स्मैश्ड पोटैटो आप कह सकते हैं, चोखा है ये, और ये चटनी है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रेजेंट है। जब स्टोरी टेलिंग होगा तो इसी चीज को एक्सप्लेन करते समय, डिस्क्राइब करते समय मुझे पास्ट का सहारा लेना। तो हर वो प्रेजेंट सिचुएशन जो आप जीते हैं वो पास्ट बन जाता है, वो स्टोरी बन जाती है। तो आप पूरे दिन का आपको ख्याल रखना है कि आपने क्या क्या किया, और उसके बाद आप शाम को बैठकर पूरा एक ब्यौरा बोलिए, बार बार बोलिए, आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो जाए। तो चलिए मैं नाश्ता करना शुरू करता हूँ। So guys, now I am having tea. I am walking and having tea. It's blazing sunshine here. So ये भी एक सिचुएशन जुड़ गया स्टोरी टेलिंग में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं दिखा सकता हूँ स्टोरी टेलिंग में कि अच्छा मैं टहल रहा था और मैं चाय भी पी रहा था। तो जो जो आप कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर वो सब स्टोरी में पास्ट होने वाला है। तो आपको पूरे दिन ख्याल रखना है कि आपने क्या क्या किया है, और आप रोज़ बोलिए। हो सकता है कि आप कुछ करके आए बाहर से, आप मार्केट वगैरह से आए और आके उसी वक्त वो छोटी सी कहानी भी बोल सकते हैं। तो बस अब मैं एक दो सिचुएशन और जोड़ूंगा, फिर मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग करके इसको दिखाता हूँ, ठीक है? तो कनेक्टेड रहिए गाइस। अब एक सिचुएशन जोड़ सकते हैं, जैसे मैं अब ये जो प्रोडक्ट है जो मुझे अमेजोन से मिला है, अब मैं इसे डिसइन्फेक्ट करूँगा और अनबॉक्स करूँ, तो ये भी एक सिचुएशन हो गया। तो दिन भर में न जाने कितने सिचुएशंस आप जीते हैं। मैं इसको अभी डिसइनफेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मैं कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आई एम डिसइनफेक्टिंग दिस बॉक्स। तो जो जो प्रेजेंट में करेंगे बस उसे पास्ट में कन्वर्ट करना है। जिसको ये टेक्निक आ गया वो स्टोरी टेलिंग कर लेगा। अब मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, तो ये अभी क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आप टेंस जाने ना जाने, आपको सिचुएशनल इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कर रहे हैं कुछ भी, तो आई एनजी तो लगेगा लगेगा। तो आई एम अनबॉक्सिंग इट। सो गाइस, दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, उल्टा आपको दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूं। तो ये है लिप्टन ग्रीन टी। तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए,
तो ग्रीन टी, क्योंकि फैटी लीवर का प्रॉब्लम है तो अभी ग्रीन टी वगैरह पी रहा हूँ। तो बस ये हो गया। चलिए अब इसको कंक्लूड करते हैं और एक स्टोरी टेलिंग करते हैं। ज़्यादा वीडियो को बड़ा करने से कोई वो नहीं, स्टोरी टेलिंग करते हैं। सो गाइस, अब उसी स्टोरी को जो मैंने अभी पूरा किया प्रेजेंट में, वो पास्ट बन चुका है। तो मैंने यहाँ पर जो बिगनर्स हैं उनके लिए दिखाया कि मैं अपने कमरे में था, अचानक फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पे मैंने जब फ़ोन पिक किया तो अमेजन डिलीवरी बॉय का कॉल था। उसने बोला कि मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ, आइए अपना प्रोडक्ट ले जाए। तो मैं उस लोकेशन पर गया जो मैंने एड्रेस उसे दिया था और मैंने इस डिलीवरी बॉय से अपना प्रोडक्ट लिया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं अपने घर आया और फिर मैंने नाश्ता किया। अब नाश्ते में क्या क्या था वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो गया। फिर मेरी वाइफ चाय बनाने लगी, उसके बाद मैं टहलते हुए चाय पीने लगा, अपने देखा। उसके बाद मैंने उस बॉक्स को जो मैंने अमेजोन से प्राप्त किया था उसे मैंने डिसइंफेक्ट किया और उसके बाद फिर उसको मैंने अनबॉक्स किया और उसमें से ग्रीन टी निकला। तो मैंने इतनी एक्टिविटीज आज की। अब इसको मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, टुडे अराउंड 10 o'clock आई वॉज एट माई होम। सडनली माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग। आई पिक्ड अप द कॉल। इट वॉज द कॉल फ्रॉम अमेजोन डिलीवरी बॉय। ही सेड दैट आई एम स्टैंडिंग एट द लोकेशन, come and grab your product. I said okay. After that I went to that delivery boy and I received the product from him. Then I came back to my home and I had some breakfast. If I talk about breakfast, there were two sattu stuffed parathas and there was little curd and there was little smashed potatoes as well as a gooseberry sauce. It means aamle ki chutney. Okay. Then after some time, my wife started making tea. Then she gave a cup of tea to me. I started taking tea while walking. And having taken tea, I disinfected the box which I had received from the delivery boy. And after that, I unboxed it and I got green tea. Got it, guys? So, मैंने जो भी किया उसको मैंने English में बोला। तो मैं बस इस वीडियो का यही एक मकसद था कि आप अपनी डेली लाइफ में जो करते हैं ना, जिस वक्त कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट है और उसके बाद वो पास्ट हो जाता है। तो आप एक एक एक्टिविटी को ख्याल में रखें और उस समय कौन सा वर्ड यूज होगा उसका आप ख्याल रखें, फिर स्टोरी टेलिंग करें। रोज प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।